So hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School students. In today's lecture, we are going to discuss about verb and we'll start from linking verb. Linking verb क्या होता है? Linking नाम से समझ आ रहा है कुछ? Linking क्या समझ आ रहा है? Linking means link करने वाली verb है ना? Linking का मतलब क्या होता है? Link करना. Link का मतलब क्या होता है? क्या समझते हो link से? एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना है ना. तो हमारे पास बेटा कुछ ऑक्सिलरीज है जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कह रहे थे, सेम वही ठीक है. वो क्या है? एक तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को जोड़ने का काम करते हैं, मेन वर्ब के साथ काम करते हैं, उसका टाइम बताने का कि एक्शन कब हुआ. दूसरा लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब हेल्प्स टू लिंक. किसको लिंक करना? सब्जेक्ट को उसके नाउन के साथ या उसी से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ने का काम करते हैं. जैसे कि शी इज, इन दिस सेंटेंस शी क्या है बेटा? सब्जेक्ट है हमारा. ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव माने शी की क्वालिटी है कि शी क्या है? ब्यूटीफुल है. तो इस क्या कर रहा है? इस शी और ब्यूटीफुल को जोड़ने का काम कर रहा है. राइट अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो क्या ये सेंटेंस बनेगा? शी ब्यूटीफुल, क्या ये सेंटेंस बन गया? नहीं बना. तो मतलब इस क्या कर रही है? उसको जोड़ने का काम कर रही है. तो इस हमारा क्या बन गया? लिंकिंग वर्ब. कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि मैडम हेल्पिंग वर्ब भी तो यही था और यही लिंकिंग वर्ब है, है? ऐसे कैसे कंफ्यूज कर रहे हो आप हमें, है ना? आता ना मन में? तो बेटा जी हेल्पिंग वर्ब को वर्ड सेट वही है, पर हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे? जब वो मेन वर्ब के साथ लगेगी. अगर वो मेन वर्ब के साथ नहीं लग रही है दैट मीन वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है. फिर वो कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब. ठीक है. सो लिंकिंग वर्ब एक्सप्लेन्स अ लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड द नाउन एडजेक्टिव बीइंग लिंक्ड टू इट. कि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रही होती है, उसी से जुड़ा हुआ नाउन उसके साथ लगा होता है या फिर उसकी क्वालिटीज उसके साथ लगी होती है. जैसे कि फ्लावर्स आर ब्राइट. सो द फ्लावर्स क्या है बेटा? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट. ब्राइट क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? पता है किसी को एडजेक्टिव क्या होता है? चलो बताती हूँ. एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड विच आर यूज टू मॉडिफाई नाउन. जैसे नाउन हमारा कार है. कार की क्वालिटी बताओ, कार कैसी है? गुड कार. तो गुड क्या बता रहा है? किसके बारे में बता रहे हैं? नाउन कार के बारे में. तो गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया, है ना? दिस इज माय न्यू कार. सो न्यू किसको मॉडिफाई कर रहा है? कार को. तो न्यू इसके किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? कार के लिए, नाउन के लिए. तो ये हमारा एडजेक्टिव बन गया, है ना? अगर मैं कहूँ कार मेरी ओल्ड है, पुरानी है, तो ओल्ड कार, ओल्ड वर्ड किसके लिए यूज हुआ? कार के लिए, नाउन के लिए. तो अगेन ओल्ड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. ठीक है. तो एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं. फिलहाल ये टॉपिक करेंगे हम, ये टॉपिक करेंगे. ठीक है. फिलहाल सबको इतना जानना है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. नाउन को क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं. सो दीज फ्लावर्स आर ब्राइट. ब्राइट किसके लिए यूज हुआ वर्ड? फ्लावर्स के लिए, यानी कि सब्जेक्ट के लिए. तो सब्जेक्ट और उससे जुड़े इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा बेटा? लिंकिंग वर्ब. क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब. तो आर यहाँ पे क्या बन गया? लिंकिंग वर्ब. अगर मैं आर को रिमूव कर दूं तो सेंटेंस बना के देखो बन गया क्या? द फ्लावर्स ब्राइट. नहीं. तो मतलब आर, आर क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है ना? ठीक है. तो वो हमारा क्या बन जाएगा? लिंकिंग वर्ब. साथ ही साथ ये भी बताता है कि कौन से टाइम में एक्शन हुआ है. जैसे इज एम आर लगा रहे हैं हम किसी सेंटेंस में तो प्रेजेंट है. वॉज वर लगा रहे हैं जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब के टाइम बताया था तो पास्ट है, है ना? करेक्ट है कि नहीं? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो.
डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड क्या है बेटा? सब्जेक्ट। द हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? डायमंड के लिए, कि डायमंड बहुत ही सख्त जो है धातु है, चीज है ना। तो इस क्या कर रहा है? डायमंड और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसका मतलब हमारा क्या बन गया? लिंकिंग वर्ब, राइट। अब समझ आया लिंकिंग वर्ब क्या होता है? अब वर्ड सेट जो है हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब का बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। यही इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब में होते हैं, यही लिंकिंग वर्ब में। वॉज वर पास्ट वाले, ये भी हेल्पिंग वर्ब में, ये मेन वर्ब में भी होते हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, हैड, लाइक दिस। बट हेल्पिंग वर्ब कब होती है? जब वो लगती है किसके साथ? मेन वर्ब के साथ, मेन एक्शन के साथ, है ना। और लिंकिंग वर्ब क्या करती है? सिर्फ सब्जेक्ट को एडजेक्टिव या फिर नाउन के साथ उससे जुड़े हुए जोड़ने का काम करती है, बस। इसमें क्या है? मेन वर्ब नहीं होती है। मेन एक्शन जो होता है ना लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस में नहीं होता है, करेक्ट। जैसे आई वॉज लेट फॉर स्कूल यस्टरडे, इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट आई इज, क्या है सब्जेक्ट है? आई क्या हो गया था? लेट हो गया था। कब के लिए? स्कूल के लिए। तो वॉज क्या कर रहे है? उसके एक्शन के बारे में बता रहे, सिर्फ लिंक करने का काम कर रहे। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। या आई एम 12 years old, तो आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? 12 years old, 12 साल का है। तो एम क्या कर रहा है? सिर्फ इंफॉर्मेशन को बताने का काम कर रहा है कि जो आई है ना वो प्रेजेंट टाइम में अभी की अभी 12 साल का है, राइट। और सिर्फ आई और उसकी एज को जोड़ने का काम कर रहा है, मीन्स एक सेंटेंस की सेंस क्रिएट करने का काम कर रहा है। ओके, लिंकिंग वर्ब। शी इज अ वंडरफुल सिंगर, तो शी क्या है? सब्जेक्ट। वंडरफुल सिंगर इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो इस क्या कर रहा है? जुड़ने का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब बन गया। इसका मतलब दीज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, सो दीज क्वेश्चन सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट उसके लिए एडजेक्टिव है, इंफॉर्मेशन है। तो आर क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है बस खाली, और बता रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दैट्स इट। ये हुआ हमारा लिंकिंग वर्ब। मतलब लिंकिंग वर्ब कहाँ काम आता है? लिंकिंग वर्ब यूज टू लिंक टू सब्जेक्ट्स, राइट। लिंकिंग वर्ब यूज टू लिंक टू सब्जेक्ट, नॉट टू सब्जेक्ट, सॉरी, लेट मी करेक्ट इट अगेन। लिंकिंग वर्ब यूज टू जॉइन सब्जेक्ट एंड द एडजेक्टिव रिलेटेड टू इट, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी नाउन को जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, लिंकिंग वर्ब, लिंक करने वाली वर्ब। तो द वर्ड सेट ऑफ लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब बोथ आर सेम, बट द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज दैट हेल्पिंग वर्ब इज यूज टू मॉडिफाई मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको मॉडिफाई करता है? मेन वर्ब को। ओके, बताता है कि सब्जेक्ट ने एक्शन कब किया, बट लिंकिंग वर्ब मॉडिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे बता नहीं रहा उसको। लिंकिंग वर्ब क्या कर रहा है? सिर्फ सब्जेक्ट और उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का एक्शन कर रहा है, और बता रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की है, राइट। ग्लू कैसे जोड़ता है? एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ देता है, करता है ना ग्लू जोड़ने का काम। ऐसे ही लिंकिंग वर्ब काम करती है, हमारा सब्जेक्ट और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट से जुड़ी इंफॉर्मेशन को जोड़ने का जो काम करती है वो कहलाती है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कोई स्टूडेंट है और वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, तो अगर मैं कहूं कि शी इज द टॉलेस्ट वन है, या शी इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, करेक्ट। तो इस क्या कर रहा है? तो शी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? शी के बारे में। तो इस बीच में क्या कर रहा है? यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो है ही नहीं, कोई एक्शन तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब तो इस लगना नहीं चाहिए था वैसे तो, बट फिर भी इज है, तो मतलब वो क्या कर रहा है? वो
सब्जेक्ट और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेट्स चेक सम एग्जांपल्स देन। चलो मैं लिखती हूँ कुछ एग्जांपल, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा फिर ये टॉपिक हमें, करेक्ट। जैसे कि ही इज रिच, ठीक है, कि वो ही जो है ना रिच है, तो ही हमारा क्या हो गया बेटा, ही हुआ हमारा सब्जेक्ट, रिच हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि ही तो क्या है रिच है, पर यहाँ कोई मेन एक्शन तो हो ही नहीं रहा, तो फिर ये इस क्यों लगा, इस लगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, बताने के लिए कि प्रेजेंटली राइट नाउ ही जो है अमीर है रिच है, इस क्या कर रहा है लिंक करने का काम कर रहा है, ही को रिच के साथ जोड़ने का काम कर रहा है, राइट। जैसे कि एक और आपका डिफरेंस बताती हूँ लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का, एक एग्जांपल ले रही हूँ, ही इज प्लेइंग गार्डन, राइट, नॉट गार्डन में, हर बार गार्डन में थोड़ी ना खेलते होते हैं बच्चे, ही इज प्लेइंग इन द पार्क, चलो पार्क में भी तो खेलते हैं ना, इवनिंग टाइम में पार्क में जाना अच्छा लगता है, करेक्ट। तो ही क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, मेन एक्शन क्या कर रहा है, प्लेइंग, तो ये तो बन गया हमारा मेन वर्ब, कहाँ खेल रहा है, इन द पार्क, चलो ऑब्जेक्ट बन गया है ना, तो इस क्या कर रहा है, ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, बता रहा है कि एक्शन कब हुआ, प्रेजेंट टाइम में खेला उसने, तो इस एम आर प्रेजेंट के लिए लगता है, तो ही इज प्लेइंग इन द पार्क, मतलब ही खेल रहा है पार्क में, इस क्या कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, इसलिए ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, जस्ट बताने के लिए कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कब कर रहा है, प्रेजेंटली कर रहा है खेलने का। पर इसी के ऑपोजिट अगर मैं बोलूं, अब देखो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, हाँ भाई सारे सो गए, कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ही क्या है, सब्जेक्ट, इज वेरी इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, ही के बारे में, तो इस क्या कर रहा है, अगर इसको रिमूव कर दूं तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, तो इस क्या कर रहा है, एक तो सेंटेंस बनाने में मदद कर रहा है, दूसरा इनको जोड़ने में मदद कर रहा है ही और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को, तो ये क्या हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, दैट मीन ये तो लिंक करने का काम कर रहा है, राइट, क्लियर है, हाँ जी, अभी समझ आया लिंकिंग वर्ब क्या होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या लिंकिंग वर्ब है, इज इट क्लियर, दृष्टि ने डबल थंब दिखाया कि दृष्टि कहते ऑल क्लियर है, राइट, गुड, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कि अब जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, लिंकिंग वर्ब की बात करें, इनको एक कॉमन नाम से जाना जाता है, विच इज ऑक्सिलरी, ठीक है, वी अंडरस्टैंड देम विद अ वेरी कॉमन नेम, ऑक्सिलरी के नाम से जानते हैं, सो ऑक्सिलरी हियर यूज्ड नॉट टू टेल टाइम ओनली, कुछ और टाइप ऑफ सेंटेंस भी कंस्ट्रक्ट करने में ऑक्सिलरी ही काम आती है, नाउ द क्वेश्चन इज किस किस तरीके के सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में ऑक्सिलरी हमें काम आती है, फर्स्ट थिंग इज इफ वी वांट टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इफ वी वांट टू क्रिएट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो वी नीड एन ऑक्सिलरी, विदाउट ऑक्सिलरी वी कांट क्रिएट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको पता है मैंने टाइप ऑफ सेंटेंस करवाए थे तो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर करवाई थी, बताया था लाइक दिस कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट करवाया था, ये चीज है ना, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा किससे पहले लगेगा, सब्जेक्ट से, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो एक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए व्हाट वी यूज बेसिकली हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, अगर हेल्पिंग वर्ब फॉर एग्जांपल या ऑक्सिलरी हमारे पास नहीं होती तो क्या हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना पाते, नो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ, he is a good boy, very simple example, he is a very good boy, he is a good boy, chalo interrogative banao to helping verb bahar nikala, is he a good boy, kya wo ek acha ladka hai, chalo
वो एक अच्छा लड़का है, ऐसे क्या बन गया, क्या वो एक अच्छा लड़का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना कि नहीं बना, राइट। सो ऑक्सिलरी हेल्प्स टू मेक अ नॉर्मल सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ बच्चों ने अभी तक टाइप ऑफ सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं लर्न की है, विच इज वेरी बैड। जयश्रुति, आयुष, खुशी, उज्ज्वल, आपका रिएक्शन मुझे बता रहा था कि आप लोगों ने अभी तक लर्न नहीं की है। नहीं बेटा, ये उसी का पार्ट है। दृष्टि, ये उसी का पार्ट है, दिस इज नॉट पार्ट फोर, दिस इज द पार्ट थ्री। ओके, नेक्स्ट। इन एडिशन वी कैन समटाइम यूज ऑक्सिलरी बिफोर द प्रोनाउन टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लाइक माइट यू डांस विद मी लेटर, डिड यू कंसिडर बायंस फीलिंग, हैज जॉनी स्पोकन हर फाइनल वर्ड, सो माइट, डिड, हैज, दीज ऑल आर ऑक्सिलरी एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आएगा, सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम, ओके। अब क्या सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में ऑक्सिलरी काम आती है? तो अगेन हमारा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में भी हमें ऑक्सिलरी ही काम आती है। अगर हमने नॉट लगाना है, देखो जैसे अभी एक एग्जांपल बोली कि ही इज अ गुड बॉय, तो मैं बोलूं कि ही इज नॉट अ गुड बॉय। सो इन दिस सेंटेंस नॉट क्या है, अकेला यूज हुआ है? नो, नॉट कभी भी अकेला सेंटेंस में यूज ही नहीं होता है, ये हमेशा ऑक्सिलरी के साथ आता है। या मैं बोलूं कि राम इज प्लेइंग इन द गार्डन, राम इज नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, यू आर ईटिंग योर फूड, यू आर नॉट ईटिंग योर फूड, है ना। तो नॉट कभी भी अकेला लगता ही नहीं है सेंटेंस में। नॉट लगाने के लिए वी ऑलवेज नीड्स हेल्पिंग वर्ब मींस ऑक्सिलरी। तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए भी बेटा हमें ऑक्सिलरी की ही जरूरत पड़ती है। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इफ वी वांट टू यूज नॉट इन द सेंटेंस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वी नीड टू हैव एन ऑक्सिलरी देयर। वी डोंट हैव एन ऑक्सिलरी, वी कांट यूज नॉट इन द सेंटेंस लाइक दिस। Like, I may never dance with you again. We didn't consider Bayan's feeling. Jenny has not spoken her final words. Tika, you are not a good boy. They are not going to party. They are not going to give exam. They are not going to teach you. Like this. There are so many examples related to negative sentence. Correct? See, dekho. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास? नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर करते पहले एक नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, ये है ना, ओके। ये नॉर्मल एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है सब्जेक्ट से पहले लगाने के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब नीचे उतार लिया, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं देखो, शी इज गोइंग टू मार्केट, अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी है तो हेल्पिंग वर्ब इज है ना, तो इज राम सब्जेक्ट है तो आ गया राम, देन गोइंग टू मार्केट, राम गोइंग टू मार्केट। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, और अगर नॉट लगाना है, नॉट कभी भी अकेला नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगेगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, राइट। अब समझ आया दृष्टि? गुड। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, एच वी स्टैंड फॉर हेल्पिंग वर्ब, वी स्टैंड फॉर वर्ब। जैसे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होती, गो, वेंट, गॉन, बी वल, आपने क्या बोला था, वर्ब, ये देखो ऊपर लिख रही हूँ ना मैं, है ना, एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, राइट, क्लियर है। तो
तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर, जो एक्शन करता है। ठीक है, थर्ड वाले में आपने थर्ड वाली लाइन में प्लस नॉट नॉट का क्या मतलब कर रखा है नीचे? नॉट का कोई एनओटी मीनिंग, नॉट मतलब ना होता बेटा, नहीं, नॉट मीन्स नहीं। ठीक है, नॉट कब लगाते हैं हम? जब हमने कोई चीज को नहीं बोलना होता है। जैसे मम्मी आपसे पूछे कि आर यू गोइंग टू प्ले, तो आप कहोगे नो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, राइट? सो नॉट हियर इज यूज इन द सेंस ऑफ नहीं। ओके, सो आज का लेक्चर समझ आया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। सो अभी ये सारा काम लिखना है, इसको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझना है, सो दैट कि अगर ये सारा समझा होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, एंड आन्या, आप क्या सेंड करोगे? मैं पीपीटी सेंड करूंगी, ये जो मैंने पढ़ाया है यही पीपीटी आपको सेंड करूंगी। गॉट इट? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।